तो थी बातें हमारे स्टार्स की जिन्होंने एनहांस की अपनी लुक्स थ्रू सर्जरी, और सर्जरी भी उनके लिए कामयाब हुई है. लेकिन कई ऐसे एक्टर्स हैं बॉलीवुड में हु हैव टर्न्ड क्वाइट डिजास्ट्रस आफ्टर दीज चेंजेस, एंड द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माइंड इज कोयना मित्रा. आई मीन उन्होंने खुद एडमिट किया है दैट यू नो जो कॉस्मेटिक सर्जरीज के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे कहीं पर वो फेल हो गए, एंड शी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ डिप्रेशन इन अ वेरी हार्ड टाइम. यहाँ तक कि इट कॉस्ट हर करियर, क्योंकि उनकी शक्ल इतनी बदल गई थी कि द प्रोड्यूसर्स थॉट कि यू नो द ऑडियंस एंड द व्यूअर्स विल नॉट रिलेट टू हर एनी मोर. सो वॉट वेंट सो ड्रास्टिकली रॉन्ग, जहाँ कटरीना और करीना कामयाब होगी बेचारी कोयना फंस गई. कोयना मित्रा को बिल्कुल स्टॉप कर देनी चाहिए सर्जरी अपने चेहरे की. पहले तो कोयना मित्रा दिखती थी ठीक ठाक, लेकिन फिर भी कोयना ने अपनी नोज की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लिया प्लास्टिक सर्जरी का साथ, वो भी एक नहीं कई बार. नाक कटवाने की भी ना आई कोयना को सर्जरी रास, कहीं नोज जॉब तो कहीं बूब जॉब. अंजाम ये हुआ कि प्रोड्यूसर्स हो गए कोयना के नए चेहरे से परेशान, बिकॉज इतनी सर्जरीज ने बदल ही दी कोयना की पहचान. And now she doesn't really have a career to talk about. So why Koina was not as lucky as the other duck-turned swan stars? Koina से मैं ये कहूँगी कि उसके second house में जो Mars और Saturn का combination है, जो उसकी वजह से उसको facial surgery कभी भी सूट नहीं करेगी. अगर वो मेरे पास पहले आई होती तो मैं उसको जरूर कहती कि ऐसा मत करवा. Well, she's also got breast implants. So what do you think about that? ब्रेस्ट इम्प्लांट ठीक है, उनके लिए कोई खास बुरा नहीं है. वो अगर शिव जी की पूजा करती हैं या वो जाके शिव जी की विधिवत रोज पूजा करना शुरू करें, ऐसा लगता है मुझे कि प्रेयर्स से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं. तो कोयना को हीलिंग सिखाती हूँ मैं, और अपने हाथ को ऐसे ऊपर करके जस्ट इमेजिन कोयना के आपके हाथ वो मंत्र बोलते हैं जो आपकी जुबान बोलती है, जो आपका दिमाग बोलता है, और वो हाथ लेके आप अपने फेस पे घुमाइए और मंत्र बोलिए, आपका फेस ठीक हो जाएगा.